जी हाँ दोस्तों, इस्माइल हनिया की मौत के बाद हालात विस्फोटक। दावा, ईरान कल इजराइल पर कर सकता है हमला। दहशत में यहूदी शासन। अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ इजराइल पहुंचे। ईरान ने कहा था सही वक्त पर अटैक करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति नेतन्याहू पर क्यों भड़के। इस बीच ईरानी संसद से भी यहूदी देश पर जवाबी कार्रवाई की मिली मंजूरी। अमेरिका ब्रिटेन ने लेबनान से अपने नागरिकों को दी चेतावनी। वहीं रूस के बाद अब उत्तर कोरिया की एंट्री। किम जोंग ने कहा ईरान हमारा दोस्त। इजराइल अमेरिका को देंगे मुंहतोड़ जवाब। इसी के साथ जानेंगे ब्रिटेन में आखिर क्यों भड़का दंगा। मुसलमानों को लेकर अफवाह। तो दोस्तों, सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, ईरान में हमास चीफ इस्माइल हनिया की मौत के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक ईरान इजराइल पर सोमवार 5 अगस्त को हमला कर सकता है। ईरान के हमले से निपटने की तैयारी में इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तेल अवीव पहुंच गए। वहीं खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और इजराइल की रक्षा के लिए नए फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे जा रहे हैं। अमेरिका ने वादा किया है कि वो इजराइल की हिफाजत जरूर करेगा। इस बीच दावा किया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन में तीखी बहस हुई। दोनों के बीच हानिया की हत्या के बाद गुरुवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस दौरान बाइडन ने नेतन्याहू से कहा, मेरे साथ बकवास मत करो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से हानिया की हत्या की टाइमिंग पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि इससे सीज़फ़ायर की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। बाइडन के सभी आरोपों को नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। बाइडन ने नेतन्याहू से कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की अहमियत को कम ना आके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने हानिया को ईरान में मारने की प्लानिंग की जानकारी अमेरिका को नहीं दी थी। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्पोरेस IRGC ने शनिवार शाम को बताया कि हमास चीफ हानिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर करके शहीद किया गया था। इस मिसाइल में 7 किलो विस्फोटक लदा हुआ था। ईरान ने हानिया की मौत को एक आतंकी घटना बताया। IRGC के बयान में कहा गया है कि यह मिसाइल हमला इसराइल ने कराया है। अमेरिकी सरकार ने भी इसका सपोर्ट किया है। हानिया जिस गेस्ट हाउस में रुका था उसके बाहर से ही आतंकी ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल हानिया की मौत के दिन हमास के प्रवक्ता और उप प्रमुख खलील अल हय्या ने भी कहा था कि तेहरान में जिस घर में हानिया ठहरे हुए थे उसे सीधे रॉकेट से निशाना बनाया गया। जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हानिया को बम धमाका कर मारा गया। बम को ईरानी गेस्ट हाउस में 2 से 3 महीने पहले ही फिट कर दिया गया था। इसमें ईरानी इंटेलिजेंस अफसरों की भी मिली भगत थी। ईरान ने इस मामले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईरान ने दोहराया है कि शहीद हानिया की कत्ल का बदला लिया जाएगा। दुस्साहसी और आतंकवादी यहूदी शासन को सख्त सजा मिलेगी। IRGC ने कहा कि सही वक्त और जगह पर हम बदला लेंगे। अल जजीरा के मुताबिक इसराइल ने इस मामले पर अब भी चुप्पी साध रखी है। IRGC के इस बयान के बाद भी अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि अमेरिका ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें ईरान में होने वाले हमले की कोई जानकारी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। शनिवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी एम्बेसी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, अमेरिका जाने वाली कई फ्लाइट कैंसिल और सस्पेंड हो गई है। हालांकि लेबनान छोड़ने के ऑप्शन अभी भी है। जो भी लेबनान छोड़ना चाहते हैं वो कोई भी टिकट लेकर तुरंत लेबनान छोड़ दें। इसके बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कहा, लेबनान में मौजूद ब्रिटिश नागरिकों के लिए मेरा स्पष्ट संदेश है, तुरंत वहां से निकलें। हम लेबनान में एम्बेसी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तनाव बहुत ज्यादा है और स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा कई अन्य देशों ने भी अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है। इनमें ऑस्ट्रेलिया और भारत भी शामिल है। वहीं ईरान की संसद ने भी इसराइल पर जवाबी हमले की मंजूरी दे दी है। संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीवाफ ने कहा है कि सांसद इसराइल के अपराध के प्रति ईरान की जवाबी कार्रवाई की मांग करते हैं।
ताकि राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो सके। स्पीकर ने कहा कि तेहरान में अतिथि के रूप में मौजूद हानिया की शहादत का उचित बदला लिया जाना चाहिए। इस बीच इस मुद्दे पर उत्तर कोरिया की एंट्री हो गई है। नेता किम जोंग ने एक ऐसी प्रतिक्रिया दी है जो इज़राइल और उनके आका अमेरिका की भी नींद उड़ाने वाली है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने इज़राइल को धमकी दी है। उन्होंने कहा, हम हमेशा ईरान के साथ खड़े रहेंगे और अपने सहयोगी ईरान को किसी भी खतरे का मजबूती के साथ जवाब देंगे। हम वैश्विक साम्राज्यवाद के भाड़े के सैनिकों अर्थात इज़राइल को चेतावनी देते हैं कि वो गलतियां ना करे। यानी यहां पर उन्होंने अमेरिका को भी धमकी दी है। आपको बता दें कि अमेरिका उत्तर कोरिया को दुश्मन नंबर वन मानते हैं और उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम भी है, जिसकी वजह से अमेरिका किम जोंग से खौफ खाते हैं। बता दें कि उत्तर कोरिया रूस और चीन का करीबी है और कई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया एक मंच पर आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो अगर अमेरिका इज़राइल के साथ है तो ईरान के साथ भी कई सुपर पावर देश खड़े हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन में पिछले दिनों हुए बच्चों के हमले के बाद से शनिवार यानी 3 अगस्त को हिंसा भड़क गई। लोग पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर गए और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ये दंगा इतना ज्यादा भड़क गया कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। इस प्रदर्शन में 3 पुलिस के घायल होने की खबर है। ब्रिटेन के 15 शहरों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा हिंसा ब्रिटेन के साउथ पोर्ट में देखने को मिला है। कुछ दिन पहले एक 17 साल के लड़के ने 3 बच्चों की चाकू मारकर हत्या कर दी। ये मामला तब तुल पकड़ लिया जब सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैली कि आरोपी का संबंध इस्लामिक जिहादी ग्रुप से था। साउथ पोर्ट के सुंदरलैंड में इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश भड़क गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठी चार्ज करने के साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस के साथ भिड़ गए, जिससे ये स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। लोग तीनों की हत्या का प्रदर्शन करने के दौरान सड़कों पर ब्रिटेन के झंडों के साथ नजर आए। यानी ये सारे लोग दक्षिणपंथी थे। पुलिस ने जब इन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक रही थी तो भीड़ और ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया। इसके बाद यह हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई और प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों से जमकर मारपीट हुई। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस वालों से मारपीट की और स्टेशन में आग लगा दी। इन सभी के दौरान 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान 8 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल ये मामला शुरू हुआ एक हफ्ते पहले, जब ब्रिटेन में लिवरपूल के पास साउथ पोर्ट में 29 जुलाई को एक 17 साल के लड़के ने लोगों पर चाकू से हमला किया, जिसके दौरान 3 बच्चों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि आरोपी का संबंध इस्लामिक जिहादी ग्रुप से था, जिसके बाद लोगों ने घटनास्थल के पास वाले मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जो कि धीरे धीरे हिंसक हो गई। साउथ पोर्ट के इस खराब हालात के बाद वहां की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। सरकार की तरफ से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। शहरों में हो रहे इस तरह के हिंसक प्रदर्शन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश की शांति के खिलाफ साजिश रची गई है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा। घटना की जानकारी के बाद पुलिस वालों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान 17 साल के रुदा कोबाना के तौर पर हुई है, जो कि डार्डिफ वेल्स का है। हालांकि पुलिस को अभी तक इस तरह के किए गए हमले का मकसद का पता नहीं चला है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW News।